हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फिर से मतलब लास्ट टाइम हमने बताया था कि डिफरेंशियल रेट लॉस से हम एंड कर रहे थे और आज वहीं से ही स्टार्टअप करेंगे। ओके, लास्ट टाइम जो दौर छोड़ी थी आज वो पकड़ने का टाइम आ गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू द वीडियो। ओके, फर्स्ट अप इज़ डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दो रिएक्शंस लिखवा देता हूँ, वो लिख लीजिए या जो भी करना है कर लीजिए। पहला है, पहला रिएक्शन N1 A प्लस N2 B गिव्स अस N3 C प्लस N4 D। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 times NO प्लस Cl2 gives us 2 times NOCl। लिख लीजिए। ओके, अब एक अंग्रेजी में डेफिनेशन आएगा, सुन लीजिएगा। द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब जान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है और रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है, उन दोनों के बीच का रिलेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट उसे कहेंगे हम डिफरेंशियल रेट लॉ। अभी रेट लिख लेते हैं। R इज़ इक्वल्स टू -1/N1 dA by dt -1/N2 dB by dt is equals to +1/N3 dC by dt +1/N4 dD by dt। ओके, अब हमें लिख लिया। अब इसका मतलब जान लेते हैं। इसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट अप इज़ कि जो हाईलाइट ले लेते हैं। ओके, कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स हैं ये, कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट में आएंगे, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में आएंगे। नेक्स्ट रूल कि ये जो रिएक्टेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, लेफ्ट साइड रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ओके, ये ए उसका डिफरेंशिएशन, ये वन अपॉन एन वन माइनस। ओके, सेम है सब में। ओके, सब में सेम है। और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्लस, वो पॉजिटिव होंगे। N3C डिफरेंशिएशन, ये समझ गया। ओके, अब इसका देख लेते हैं। ये तो अब आपके लिए एकदम ABCD जैसा हो गया, चलो तो अभी देखते हैं। हो गया, लेट मी राइट द रेट। और हाँ, एक चीज़ पीछे रह गई कि जो रेट हमने आगे देखा था, याद है? रुको, लिखता हूँ। रेट इज इक्वल्स टू के ए, के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ओके, अब ये क्या है, ये समझते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, अब ये के है रेट कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट, समझ रहे हो? ये के है रेट कांस्टेंट, इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, ये ए है,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। और एक रूल ये भी है कि ये रेट हम जब लिखेंगे, ये जब हम रेट लिखेंगे उसके साथ इधर और इधर हमेशा रिएक्टेंट्स ही आएंगे, प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। और ये फाइनल चीज़, ये छोटा सा ए और ये छोटा सा बी, ये क्या है? ये है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ऑर्डर क्या होता है डिटेल में, ओके? यहाँ सिर्फ ब्रीफ दिया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये ए बी सी डी सॉल्व करें। चलिए मैं रेट लिख देता हूँ इधर, इसका रेट आएगा कौन सा, ये वाला, ये आर है ना, आर इक्वल्स ये वाला। सो लेट्स राइट इट। क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस 1/2 डी इंटू ब्रैकेट एनओ, ये एनओ कंसंट्रेशन है, डिवाइड बाय डीटी, या भले कुछ भी हो प्लस ही होगा, हमेशा प्लस ही होता है, फिर भी माइनस 1/1 लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है, डी इंटू सी एल टू अपॉन डी टी, जगह ख़त्म, इक्वल्स टू, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे आ गया, समझ रहे हो? ओके, प्लस 1/2, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये 2 times है तो उसका 2 times नीचे आएगा, उसका कोएफिशिएंट नीचे आएगा, समझ गए? डी ऑफ एनओ सी एल बाय डी टी, ओके, क्लियर है? हाँ, अब इसका रेट लिख देते हैं, यहाँ जगह ख़त्म, रुको, है हमारे पास। अब इसका मैंने पीछे रेट लिखवाया था, याद है? इसका हमने रेट लिखा था, याद है? रुको फिर से दिखाता हूँ। रेट क्या होगा? के, कंपल्सरी के ही आएगा, न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी होंगी। ए क्या है? हमारा ए क्या था? ए था हमारा NO2, एन ओ था, 2 times एन ओ था, तो एन ओ और Cl, NO Cl, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ओके? ये कहाँ से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रख लिया, रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट्स ओनली, नो प्रोडक्ट्स एंड दैट्स इट, दिस इज़ आवर रेट। ओके, वेलकम बैक, लेट्स मूव टूवर्ड्स रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दो, एक क्वेश्चन आएगा, H2 + I2 गिव्स अस 2 times HI, ओके? ये हमारा रिएक्शन का रेट आया, रेट क्या बनेगा हमारा? रेट बनेगा के H2 × I2 1/1 to the power, ओके? और अब हम रिएक्शन दूसरी लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रहा है? नेक्स्ट रिएक्शन, ओके, लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका रेट क्या बनेगा? कोई मुझे बताएगा? है जी, बोलो, रेट बोला जाए, रेट बनेगा
उसका रिएक्टेंट माइनस वन बाय टू डी इंटू एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू एन टू ओ फाइव के इंटू एन टू ओ फाइव ओके। और इसमें के है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिसे हम रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं ओके। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वन मोलर हो, याद रखना ओके, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वन मोलर हो तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, हमने ये देखा। सो इसका ऑर्डर क्या आएगा, वन ऊपर, याद रख लो। और ये जो एक्सपोनेंट आया, इस एक्सपोनेंट कहते हैं, एग्रीड और नॉट, यस, उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन ओके। सो ऑर्डर की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डेंस टू वन हो गई, यस और नॉट ओके। सो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है N2O5 का, हमने देखा पीछे, यहाँ रिएक्शन पूरी लिखोगे तो पीछे N2O5 का बैलेंसिंग करने के लिए ओके वो टू होता है, फिर भी उसका ऑर्डर वन आया, इसलिए ये साबित होता है कि जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स का, या प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट्स का जो कोएफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता ऑर्डर पे, वो आपको पहले लगेगा। और मैं एक स्क्रीनशॉट या इमेज, एक इमेज पीडीएफ बना के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ओके। उसमें 5 या 6 रिएक्शंस होंगी जिसका आपको रेट, ऑर्डर, मेन तो ऑर्डर रट लेना है। बहुत कॉमन रिएक्शंस है, कभी भी एग्जांपल पूछेंगे तो वो छाप के आ जाना ओके ओके। जनरल फॉर्म में ऑर्डर लिख ले एक बार, हमारा प्यारा रिएक्शन एन वन ए प्लस एन टू बी गिव्स अस एन थ्री सी प्लस एन फोर डी ओके। उसका रेट आया, उसका रिएक्शन रेट आया के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। हियर 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 एक्स एंड वाई, व्हाट आर एक्स एंड वाई, हियर एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, एक्स एंड वाई जो होंगे वो ऑर्डर होंगे रिएक्शन के। ऑर्डर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अकेला ऑर्डर नहीं होता, दोनों का समेशन ऑर्डर होता है। समझ गए ओके। अब बस और कुछ है नहीं इस आंसर में, बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया। और जो नीचे रिएक्शंस में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आएगी गूगल ड्राइव की ओके, वो लिंक को आपको डाउनलोड करना है, और वो पीडीएफ होगी जिसमें 5 या 6 रिएक्शन होंगे जिसका आपको ऑर्डर, रिएक्शन रेट, मेन तो ऑर्डर ही याद करना है, और देखना है कि उसका कोएफिशिएंट कभी ऑर्डर नहीं बनता, उसका कोएफिशिएंट कभी ऑर्डर नहीं बनता ओके। सो मूविंग अप मॉलिक्यूलरिटी शोज अस एक बार एक जोक सुनाओ, जोक तो नहीं पर एक लाइन लिखूं, ये लाइन याद है, बोलो ये क्या है, ये कौन बोलता था, हैं कौन बोलता था, ये गब्बर बोलता था। ओ गब्बर जी की स्पेलिंग बच गई, गब्बर। कितने आदमी थे इससे हमें याद रखना है कितने मॉलिक्यूल्स थे, कितने एटम्स थे, कितने आयंस थे। कन्फ्यूज हो गए ओके, अब दूर करते हैं आपका कन्फ्यूजन। अब मॉलिक्यूलरिटी आते हुए इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स
एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड एक्सपीरियंस हैंडराइटिंग पे मत जाना एक्सपीरियंस कोलिजन विथ ईच अदर सो दैट रिएक्शन रिजल्ट्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. कन्फ्यूज हो गए? यस, मुझे यही चाहिए था. अगर आप कन्फ्यूज होंगे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. मैं कन्फ्यूज़ क्यों हुआ, मुझे उसके पीछे का रीज़न जानना है कि मैं कन्फ्यूज़ क्यों हुआ. ओके, तो रीज़न जान लेते हैं. अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गया है, अब इसका मतलब समझ लेते हैं. नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो पार्ट लेंगे रिएक्शन में वो कोलिजन्स करेंगे. रिएक्शन होगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी. कोलिजन होगा जिससे रिएक्शन होगा उस प्रोसेस को कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. समझ गए? और अब नॉर्मल सा एक मॉलिक्यूल है रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड. एक मॉलिक्यूल है एसोसिएटेड तो उसे कहेंगे मोनोमॉलिक्यूलर या फिर यूनिमॉलिक्यूलर. ओके, एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. सिमिलरली टू मॉलिक्यूल होगा बायमॉलिक्यूलर. ओके, और उसका एग्जांपल होगा डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ओके, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. तीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड. ट्राई मॉलिक्यूलर उसका एग्जाम्पल होगा रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ डाइऑक्सीजन. रिएक्शन 2NO प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स NO2. ओके, समझ गए? क्लियर हो गया इसका एग्जांपल ट्राइमोलेक्यूलर रिएक्शन का जो कोलिजन्स करेंगे और रिएक्शन होगा. समझ गए आप? डेफिनेशन आएगा, इतना लिख के आओगे, बहुत अच्छा है. ओके, और नेक्स्ट अप. ओके, और जो पॉसिबिलिटी होती है कोलिजन्स की, तीन से ज़्यादा किसी की मॉलिक्यूलरिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, ऑर्डर होगा रिएक्शन का. ओके, और मॉलिक्यूलरिटी होगी वो बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर और एलिमेंट्री रिएक्शन का सेम होगा. ओके, अब मेन स्टेटमेंट दिखवा देता हूँ या फिर बाद में देखते हैं. ओके, सबसे पहले इसका एक रिएक्शन लिखता हूँ. H2+I2 गिव्स टू डाइम्स एच आई वन मोल हाइड्रोजन वन मोर आयोडीन ट्यू दिस इज योर मॉलिक्यूलरिटी. सिंपल.
सिंपल। और इसका ऑर्डर क्या होगा? टू सिंपल। सो इससे क्या प्रूव होता है? ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम होता है, पर कुछ एग्जांपल होंगे जिसमें सेम भी नहीं होगा। ओके और अब बारी आती है एक गोल्डन स्टेटमेंट की। गोल्डन स्टेटमेंट पढ़ लो, जो करना है स्क्रीनशॉट कर ले लो, लिख लो। ये याद रहा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को उखाड़ के फेंक दोगे आप, समझ जाओ। अभी हम पढ़ते हैं एक बारी, क्या अंग्रेजी दी हुई है इधर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लो स्टेप इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो स्टेप होते हैं रिएक्शन के, एक फास्ट स्टेप, एक फास्ट स्टेप, एक स्लो स्टेप, एक फास्ट स्टेप, एक स्लो स्टेप। मगर स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो ऑर्डर होगा रिएक्शन का। समझ गए? समझ गए? गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रख लेना। अभी इसके रिलेटेड एक एग्जांपल खींच लेते हैं। चलिए 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 चलिए, अब एक रिएक्शन है H2O2 है, I माइनस गिव्स H2O प्लस IO माइनस। ये स्टेप वन है। अब स्टेप टू, स्टेप ओके ओके। सेकेंड स्टेप है H2O2 प्लस IO माइनस गिव्स अस H2O प्लस IO प्लस प्लस I माइनस प्लस O2 प्लस होगा इधर। ओके इसमें जो रिएक्शन है उसमें IO जो है वो इंटरमीडिएट दिया हुआ है, वो इंटरमीडिएट दिया हुआ है, वो फॉर्म होगा रिएक्शन के दरमियान, पर हमें कुछ भी यूज़ में नहीं आएगा। देख लो सिंपल है, इधर फॉर्म हुआ, इधर फिर रिएक्शन किया, कहाँ गया? गायब, कुछ काम का नहीं है, इंटरमीडिएट कहते हैं उसे। ओके सो इसमें से हमें पता क्या चलेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप वन है स्लो स्टेप, स्टेप टू है फास्ट स्टेप और ये है स्लो स्टेप। ओके स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, समझ गए? ओके अब इससे हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके इंटरमीडिएट हमें देख लिया। ओके और हाँ, जो स्लो, एक ये एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देख लेना ज़रा, देख लेना ज़रा। स्लो स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड RDS। व्हाट इज RDS? RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? हमें उससे रेट पता चल सकता है, ऑर्डर पता चल सकता है, समझ गए? सो स्लो स्टेप का जो ऑर्डर होगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लो स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड RDS, इग्नोर करना जो पहले बोला था। चलो अब इस मॉलिक्यूलरिटी से जो हमने स्टडी किया उससे हमें फॉलोइंग कंक्लूजन्स मिलते हैं। व्हाट आर आवर कंक्लूजन्स? व्हाट आर आवर कंक्लूजन्स? फर्स्ट अप इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट करे बिना हमें पता ही नहीं चल सकता। जो ऑर्डर होता है वो ज़ीरो हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता, ओ क्या हो रहा है, वो ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ओके बट मॉलिक्यूलरिटी
कत ही नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती ज़ीरो, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए हो सकता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए हो सकता है, पर ऑर्डर कैन बी फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूलारिटी ओनली एलिमेंट्री, ओनली एलिमेंट्री। सो मोलेक्यूलारिटी कुछ नहीं होता फॉर कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं होता फॉर कॉम्प्लेक्स। पेजेस ख़त्म, रुको आ गया पेज। ओके, और जो थर्ड एंड फाइनल है हमारा कंक्लूजन वो है, मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप जो होता है वो ऑर्डर होता है, और मॉलिक्यूलरिटी होती है स्लो स्टेप की वो ऑर्डर होती है स्लो स्टेप की। मतलब आपको स्लो स्टेप मिल गया, या अच्छा अच्छा ये दो पॉइंट है, ये दो रिएक्शन हो रहे हैं, अच्छा ये तो स्लो स्टेप है, ये तो फास्ट स्टेप है, इसको खींच के फेंक दो, ये फास्ट है ये स्लो है। अच्छा तो ये हमें बताएगी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ये ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी दोनों बताएगा, फास्ट स्टेप कुछ काम का नहीं है। ओके समझ गए, दैट्स फॉर टुडे। क्या हो रहा है, रुको, ओके डन, दैट्स फॉर टुडे। ये गोल्डन स्टेटमेंट याद रख लेना, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर इजी हो जाएगा। ओके सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Just what I do, and I hope you let me in, yeah.